आदिवासी मान्यता सकाश ओडिशा सरकार को द्वारा अनुमोदित 160 गोटी प्रस्ताव केन्द्र आदिवासी मंत्रालय दीर्घ दिन धरी अनुमोदन नक टाणटूल नीति अवलंबन करजेडी स्वर उत्तोलन करने को बाध्य यह केन्द्र सरकार को ओडिशा राज्य प्रति वैमात्रिक मनोवृत्तिर परिचय देपरिप्रेक्षी कोरापुट विजु जनता दल तरफ जिलापा कार्यालय सम्मुखें विक्षोभ प्रतिवाद सभा अनुषित सहित भारत महामहिम राष्ट्रपति उद्देश्य स्मारक पत्र प्रदान कार्यक्रम आदिवासी मान सहित ऐतिहासिक न्याय ओडिशार आदिम आदिवासी मान आदिवासी मान्यता पाइबा ओडिशा सरकार सम्मानीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बारंबार पत्र लिखते दावी जनई अनुरोध किंतु समस्त दाबी को अग्राह्य कर दिया जाए एवं बीजेपी शासित राज्य को प्राधान्य दिया जाए अण बीजेपी शासित राज्य को प्राधान्य दि जाऊना जो अभिसंधिमूलक आभिमुख्य रखिंट ओडिशा प्रति ओडिशार आदिवासी प्रति एथिरे आदिवासी समाज संपूर्ण भाव क्षुब्ध अच्छा असंतोष प्रकाश कर मान्यवर मुख्यमंत्री आज 9 जिले में स्वतंत्र उन्नयन परिषद जिले में आज आंदोलन डाकरा देखी आम दाबी को मानि जाए 160 गोटी आदिवासी मान्यता पाइबा जो हक अच्छे समाज दि न जाए आंदोलन को आहरी तीव्रतर करजु जनता यू परितापर विषय कि नुह से पदू टीए आदिवासी मानी वर्तमान सुधा कहले ना जे कौन पाई केंद्र सरकार समस्त प्रस्ताव को अग्राह्य कर गुरुदायित्व अच्छे ओडिया माटर पिला हिसाब से ओडिशार आदिवासी हिसाब से सी कहवा उचित जे विजु जनता दल सरकार समस्त प्रस्ताव पठाला कहीं अग्राह्य कर दिया गया से निजर उत्तर रखु और आदिवासी समाज को ओडिशावासी को जवाब दिए तुलाराम दुर्वा गुप्तेश्वर पंचायत ब्लक बैपरिगुड़ा आमर दुर्वा जाति को आदिवासी मान्यता एपर्यंत दिया जाए ना बहुत दिन है आम जेकोसी ऑफिस रे कलेक्टर ऑफिस रे और जोटे हेले भी आम भुवनेश्वर पर्यंत दिल्ली पर्यंत जाए किंतु आमर किसी एपर्यंत कवर ना से आमर ओडिशा सरकार बुझी सारी किंतु केंद्र सरकार ना से किसी कही ना कि देवार उत्तर भी देना से आमको बहुत असुविधा अच्छे आम दुर्वा जनजाति आम कन्फर्म कि जानू से कोरापुट सुंदरम को रिपोर्ट मेघा टीवी।